चढ़ती नदी को पार करके लाए प्रसूता को जिला चिकित्सालय में स्ट्रेचर न मिलने पर अस्पताल के बाहर हो गई डिलीवरी। खबर करमास से आ रही है। यहां रहने वाली राजकुमारी आदिवासी को सुबह 6 बजे पेट दर्द हुआ तो परिजन ने 108 की मदद से उसे फोन किया, जिस पर गांव के बाहर नदी चढ़ जाने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। तब परिजन जैसे तैसे प्रसूता को नदी के पार लेकर आए, जहां पर 3 से 4 फुट पानी भरा था। उन्होंने प्रसूता को नदी पार की तब वो जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर गेट के बाहर कोई स्ट्रेचर न मिलने के कारण उसको वहीं गेट पर प्रसव हो गया। प्रसूता ने एक कन्या को जन्म दिया है। महिला की हालत खराब बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू कहाँ से आई हो? करमाई से। किसको लेके आई हो? कुमारी। कुमारी को? क्या हुआ है कुमारी को? मोड़ी बाहर हो गई थी। कैसे हो गई बाहर? अरे पानी बरस गया थे, नदी चढ़ गई थी और घंटा के पीछे हम आए थे। अच्छा, तो नदी में से चल के आए हो क्या? तो करिया करिया में उतर के आए। अच्छा, तो करिया करिया में से नदी पार करके आए और एम्बुलेंस पहुंच गई थी? पहुंच गई थी। तो एम्बुलेंस का इंतजार करती रही तुम्हारे आने का? आए तो थे, जे आई थी नहीं। अच्छा, चूंकि हो सकता है प्रसूता लेट मूवमेंट हो, यहाँ लेट आई हो तो इसलिए उसकी हो गई। नहीं तो नियमन तो है कि ये है कि सामान्य रूप से मरीज अगर जल्दी आ जाए तो उसकी जांच भी हो जाएगी और आराम से उसकी डिलीवरी भी हो जाए।